एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नातिक। वेलकम बैक टू ए टू जेड ऑप्टोमेट्री। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द कंजंक्टिवा के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो व्हाट इज़ कंजंक्टिवा? तो वर्ड कंजंक्टिवा का मतलब होता है, कंजंक्टिवा जो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है टू जॉइन। ओके, तो ये जॉइन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कंजंक्टिवा। तो किसको जॉइन कर रहा है? इट जॉइंस द पोस्टीरियर बॉर्डर सरफेस ऑफ द आईलिड एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल। तो ये इनको जॉइन कर रहा है अपने बैक ऑफ द लिड से टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज कंजंक्टिवा। तो ये क्या है? एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि आपके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लिड्स को एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल से जॉइन करता है। क्लियर अप टू दिस? सो कंजंक्टिवा के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन तो हमारा क्लियर है, अब बात करते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंजंक्टिवा। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ कंजंक्टिवा, राइट? पहला है पल्पेब्रल कंजंक्टिवा, दूसरा है आपका बल्बुलर कंजंक्टिवा, तीसरा है आपका कंजंक्टिवल फॉर्निक्स। नाउ सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पल्पेब्रल कंजंक्टिवा। तो पल्पेब्रल कंजंक्टिवा कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, दैट इज मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल। तो अब इसको याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। तो जैसा जैसा नाम है इसका वैसा ही वैसा पोजीशन पे ये लोकेट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल बात करें हम पहले मार्जिनल कंजंक्टिवा की, तो ये लिड मार्जिन पे लोकेटेड होगा। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो लिड मार्जिन पे लोकेटेड होगा और ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा लाइक अप टू 2 mm। ठीक है, 2 mm का डिस्टेंस के बाद इसका जोन खत्म। ओके, उसके बाद बात करते हैं टार्सल कंजंक्टिवा की। टार्सल कंजंक्टिवा विल बी लोकेटेड ऑन द टार्सल प्लेट इन द अपर लिड, इट इज प्रेजेंट इन द होल लिड। ओके, पूरे लिड में प्रेजेंट होगा, टाइटली अटैच होता है। ठीक है, अटैच टू द होल टार्सल प्लेट एंड इन द लोअर लिड क्या होता है, ये सिर्फ हाफ विड्थ इसका अटैच होता है लोअर लिड से। ओके, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट है और हाईली वैस्कुलर है, मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत हाई है। और ऑर्बिटल कंजंक्टिवा की बात करें, इट लाइज लूज बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड द फॉर्निक्स। अब आ जाता है बात सेकेंड पोर्शन की, दैट इज बल्बुलर कंजंक्टिवा। तो बल्बुलर कंजंक्टिवा ऐसा कंजंक्टिवा विच कैन बी मूव्ड। ओके, तो आप याद करने का तरीका ये है कि बल्ब कैन बी मूव्ड। ठीक है, आप बल्ब को मूव कर ले रहे हो, कोई भी छोटी इमरजेंसी लाइट होती है उसको आप मूव कर सकते हो उसका हेड, तो इट्स कैन बी रिमेम्बर्ड बाई दैट वे। तो आप बोल सकते हो कि बल्ब कैन बी मूव्ड, सो बल्बुलर कंजंक्टिवा एज अ पार्ट ऑफ कंजंक्टिवा विच कैन बी मूव्ड ईजिली एज इट लाइज इन द लूज ओवर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। ओके, इसलिए इसको मूव कर सकते हैं, बहुत लूजली अटैच्ड होता है। अब लिम्बल कंजंक्टिवा की बात करें, व्हाट इज लिम्बल कंजंक्टिवा? दैट इज अ 3 mm ऑफ रिज ऑफ द बल्बुलर कंजंक्टिवा अराउंड द कॉर्निया इज नोन एज लिम्बल कंजंक्टिवा। अब लास्ट स्टेटमेंट, इसको थोड़े देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। एट द लिम्बस एपिथीलियम ऑफ द कंजंक्टिवा बिकम्स कंटिन्यूस विद द कॉर्निया। तो इसको थोड़े देर होल्ड पे रखते हैं, इसको आगे समझेंगे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज कंजंक्टिवल फॉर्निक्स। तो कंजंक्टिवल फॉर्निक्स इट कंटिन्यूज विद द सर्कुलर कुल-डी-सैक एंड विच इज ब्रोकन ओनली इन द मीडियल साइड ऑफ द करंकल एंड प्लीका सेमिलनरिस। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कुल-डी-सैक में मतलब समझते हैं। तो जो नीचे वाला आप बॉर्डर देख रहे हो ना, ये आईलिड को, इसको हम पुल करेंगे तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज कॉल्ड कुल-डी-सैक। ठीक है, जो कि जाके देखो, अब यहाँ से कंटिन्यूस है लेकिन यहाँ मीडियल साइड में जाके ब्रेक हो रहा है बाय द स्ट्रक्चर नोन एज करंकल एंड प्लीका सेमिलनरिस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। ओके, क्या है ये? सो हमने देखा स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट बल्बुलर कंजंक्टिवा, टार्सल कंजंक्टिवा एंड फॉर्निकल कंजंक्टिवा, और बात बच रहे हैं यहाँ पे हमारे ग्लैंड, तो उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंजंक्टिवा। तो हिस्टोलॉजिकली 3 लेयर होते हैं कंजंक्टिवा के।
ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको कुछ होल्ड करने के लिए बोला था, एक पॉइंट, एक लास्ट स्टेटमेंट, तो उसको होल्ड करके रखिए, मैं बताता हूँ क्या। तो हिस्टोलॉजिकली बात करें तो कंजंक्टाइवा जो होते हैं, तीन पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट है आपका इपिथीलियम, ठीक है, इपिथीलियम। दूसरा है आपका एडिनोइड, एडिनोइड लेयर, और तीसरा है आपका फाइब्रस लेयर। थर्ड इज फाइब्रस लेयर। तो ये तीन लेयर्स होते हैं कंजंक्टाइवा के, फर्स्ट इज इपिथेलियम, सेकेंड इज एडेनॉइड, एंड थर्ड इज फाइब्रस लेयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं व्हाट इज इपिथेलियम। इपिथीलियल लेयर हैज़ 2 to 5 लेयर ऑफ नॉन केरेटिनाइज्ड इपिथीलियम एंड ऑल्सो कंटेन्स गोबलेट सेल। यहाँ पे जानने वाला प्रैक्टिकल बात ये है इंपॉर्टेंट कि गोबलेट सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर टीयर फिल्म, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्राइनेस एज वेल। सो वी हैव टू लिंक द थिंग्स लाइक दैट। तो आपको क्या है, इट कंस्टिट्यूट ऑफ 10% ऑफ द इपिथीलियम। इपिथीलियम के अंदर गोबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि 10% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द लेयर्स ऑफ द इपिथीलियम वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। इसका मतलब क्या है, तो जो इपिथीलियम का लेयर है, इपिथीलियम का जो लेयर है वो रीजन टू रीजन वेरी करता है। कहने का मतलब ये कि इसका जो लेयर है ना फिक्स नहीं है, लाइक एक जगह पे ऐसा 5 लेयर्ड है, 2 लेयर्ड है, ऐसा करके फिक्स नहीं है, ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मार्जिनल कंजंक्टाइवा के पास 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ओके, फॉर एंड टार्सल कंजंक्टाइवा के पास 2 लेयर्ड है, एंड फॉर्निक्स एंड बर्बुलर कंजंक्टाइवा हैज 3 लेयर्ड। तो ये जो लेयर लेयरिंग है इपिथीलियम की वो वेरी करती रहती है फ्रॉम रीजन टू रीजन, ओके। अब आते हैं उस वाले स्टेटमेंट पे जो मैंने होल्ड करा के रखा था। तो सी, मैंने बोला था एट द लिम्बस द इपिथीलियम ऑफ द कंजंक्टाइवा बिकम कंटिन्यूस ऑफ द कॉर्निया। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो सिर्फ इपिथीलियम है, एडिनॉइड और फाइब्रस की बात नहीं कर रहा मैं, जो इपिथीलियम लेयर है वो कंटिन्यू होता है कॉर्निया के साथ, अदर्स लेयर कंटिन्यू नहीं होते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एडिनॉइड लेयर। तो एडिनॉइड लेयर क्या है, इसको हम लोग लिम्फॉइड लेयर भी बोलते हैं। तो लिम्फॉइड लेयर क्या, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, तो इट्स कॉल्ड लिम्फॉइड लेयर। सो ये जो है बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है, 3 to 4 months में ये डेवलप होता है। इसीलिए कभी भी बच्चे के अंदर, अगर जो इन्फेंट के अंदर कंजंक्टाइवल इन्फ्लामेशन होता है, तो उसमें कोई भी फॉलिकुलर रिएक्शन नहीं होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्यों नहीं होता है, क्योंकि 3 to 4 months ऑफ लाइफ के बाद ही तो ये डेवलप होते हैं, तो उससे पहले अगर कोई भी इन्फ्लामेशन होता है उसमें, तो उसमें कोई भी फॉलिकुलर रिएक्शन आपको देखने नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फाइब्रस लेयर की, ओके। तो व्हाट इज़ फाइबरस लेयर, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेशवर्क ऑफ कोलाजिनस एंड इलास्टिक फाइबर्स, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और क्या है, इट इज़ थिक एट द एडिनॉइड लेयर, इट इज़ थिकर दैन द एडिनॉइड लेयर एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ द टार्सल कंजंक्टाइवा वेयर इट इज़ वेरी थिन। ये एडिनॉइड लेयर से तो थिक होता है, लेकिन टार्सल कंजंक्टाइवा के रीजन में बहुत ही थिन होता है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है उस रीजन के लिए। ओके, गॉट माई पॉइंट, नथिंग टू अंडरस्टैंड मच इन दैट, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैंड ऑफ कंजंक्टाइवा। तो बेसिकली 2 मेजर ग्लैंड होते हैं, दैट इज म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड और एसोसिएटरी लैक्रिमल ग्लैंड। तो बेसिकली जो म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड होते हैं उसमें अंदर आते हैं गोबलेट सेल, क्रिप्स ऑफ हेलन, गोबलेट सेल, क्रिप्स ऑफ हेलन एंड हेलन एंड ग्लैंड ऑफ मांस। ये तीनों सेल जो है आपके म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं। तो म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड का क्या है, तो एक कंपोनेंट होता है टीयर फिल्म को मॉइस्ट रखने, सॉरी कंजंक्टाइवा एंड कॉर्निया को मॉइस्ट रखने का काम होता है। बेसिकली टीयर फिल्म स्टेबिलिटी में इनका हाथ है। कहाँ है, टीयर फिल्म स्टेबिलिटी, ओके।
तो ये भी जो आपके एसोसिएटरी लैक्रिमल ग्लैंड है ना, इनका भी कुछ अलग रोल नहीं है, दैट ऑल्सो मेंटेन्स द टीयर फिल्म स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्लैंड ऑफ क्रूज एंड ग्लैंड ऑफ वोल्फरिंग। तो हम लोग बैक जाके एक बार वो डायग्राम देख के आते हैं। ठीक है, ग्लैंड ऑफ क्रूज एंड ग्लैंड ऑफ वोल्फरिंग, दीज आर एसोसिएटरी लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड अदर्स आर एज यू सॉ इन द स्लाइड। नाउ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ अभी तक क्लियर हो गई है। मैं लास्ट में एक बार रिवीजन भी कराऊंगा, लाइक फास्ट फास्ट स्लाइड, लाइक फास्ट फॉरवर्ड करके। ओके, अब लास्ट में अब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, दैट इज प्लीका सेमिलोनारिस एंड द करंकल। तो प्लीका सेमिलोनारिस क्या है, अब इजीली आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो ये हमारा आँख है, हम लोग ने बना दिया ये आँख, ठीक है, तो ये दोनों आँख बना लिया। ओके, ये हमारा नोज़ है। अब देखिए मीडियल साइड में, मीडियल साइड में आप कभी अभी आज जाना, अभी इसके बाद देखोगे तो एक बार जाके अपने शीशे में एक बार देखना कि यहाँ पे एक साइड में एक कॉनकेव स्ट्रक्चर है, स्किन लाइक फोल्ड, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड प्लीका सेमी लूनैरिस। और प्लीका सेमी लूनैरिस जैसे ही ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर है। ओके, ये गोल सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, ओवल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड कारंकल। ठीक है, ओके, गॉट माई पॉइंट। ये सारे चीज़ें इसके अंदर है। तो प्लीका सेमिलोनारिस, इट इज अ पिंकिश फोल्ड ऑफ द कंजंक्टिवा प्रेजेंट इन द मीडियल कैंथस। इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ये ऑर्गन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट तो है ह्यूमंस के अंदर, लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं ये क्यों है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और द थर्ड आईलेट। बेसिकली एक फोल्ड था कंजंक्टाइवा का जो कि यूजफुल नहीं है अभी हमारे लिए, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, अब बात करते हैं करंकल के बारे में, व्हाट इज करंकल। तो करंकल मैंने आपको बता दिया, जो छोटा सा ओवल शेप का आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड करंकल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे हौसला आएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो बना के ला सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।